हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपना चैनल में। और इधर शिवम दे रहा है गाय माता का रोटी। रात में थोड़ा सा बच गया था चावल और रोटी, तो मतलब बासी है, तो मैं गाय माता को रोटी देने जाती हूँ तो साथ में नहीं लेके जाती हूँ बासी वाला खाना। और ये लोग आते हैं ना रोटी ले जाने, तो वो गाय को भी देते हैं, भैंस को भी, तो भैंस लग रहा खाती है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि गाय का रोटी नहीं देते हैं, ले जाते हैं कहीं बेच देते हैं, तो इसीलिए मैं ये वाला जो बच जाता है तो इन लोग को दे देती हूँ। और जूठा गाय को नहीं खिलाना चाहिए, इसीलिए मैं जूठा नहीं लेके जाती हूँ। ये तो जूठा नहीं है, बस उसी तरह से एक रोटी बच गया है, चावल ज़्यादा हो गया था तो वही मैं दे रही हूँ। गाय वाला भैया, रोटी वाला भैया थोड़ा दूर खड़े हुए हैं। हम लोग पहले आके यहाँ पर खड़ा हो जाते हैं, नहीं तो गाना चला लेते हैं इतना तेज़ी वो लोग को चिल्लाना पड़ता है, तब जाके वो लोग सुनते हैं। भक्ति गाना चला लेते हैं और किसी का बात भी नहीं सुनते हैं। अभी देखिएगा, फेंकेगा शिवम तो चावल गिर जाएगा भैया के ऊपर, देखिए गिर गया। अब मैं रस्सी रखी हूँ कि रस्सी से नीचे लटका देंगे, तो इसको नहीं लटकाया, उसी तरह से फेंक दिया, उनके ऊपर गिर गया। मैं वही इसको बोल रही हूँ कि रस्सी में लटका देता तो गिरता नहीं ना, इसको जल्दबाजी रहता है, तो उसी तरह से फेंक दिया, पूरा उनके ऊपर चावल गिर गया। इधर अनमोल आया नहा के, तो उसको ये चिढ़ा रहा है, तौली खींच रहा है उसका, चिढ़ा रहा था उसको। और आज मैं बना रही हूँ चावल और साग, दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए साग में तो बहुत पानी छोड़ देता है, देखिए लोहा कढ़ाई में साग अच्छा लगता है। तड़का लगाने के लिए लहसुन मिर्चा काट के रख दी हूँ, पहले इसमें का पूरा पानी सुखा लूँगी, सूख जाएगा तब जाकर तड़का लगाऊंगी। रोटी तो बना ली हूँ, चावल रखी हूँ बनने के लिए, और धूप भी अच्छा निकला है। देखिए इस समय तो धूप में बैठने में बहुत अच्छा लगता है। और इधर देखिए तड़का भी लगा दी मैं साग में, बिना तड़का का साग अच्छा नहीं लगता है। या इधर का मतलब यहाँ के साग तो और बेकार लगता है बिना तड़का का, गाँव में तो इतना अच्छा लगता है बिना तड़का का बनाते हैं साग, खाने में भी अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और इधर मैं जा रही हूँ पार्क, पार्क नहीं जा रही हूँ मैं, वो पॉपकॉर्न लाने जा रही हूँ, क्योंकि यहीं पर बेचते हैं भैया, अंकल भैया बोल रही हूँ, तो इनका पॉपकॉर्न बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, तो मैं इनसे लेके जाती हूँ। थोड़ा बूढ़े हैं तो इसीलिए, बूढ़े लोग को देखती हूँ तो थोड़ा दया आ जाता है, तो इसीलिए इनके पास आई थी लेने के लिए पॉपकॉर्न। अब आई हूँ पॉपकॉर्न लेने, तो अब सोची थोड़ा सा पार्क में चली जाऊँगी। पार्क में तो इतना ज़्यादा लोग आते हैं, अच्छा लगता है पार्क में बैठ के, और सुकून मिलता है एकदम दिल का, एकदम मस्त लगता है। बहुत लोग तो वहाँ पे खाना ले आके खाते हैं, अच्छा लगता है। मैं भी आती हूँ पार्क में, तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, खाते हैं, अच्छा लगता है, और बातें भी करते हैं उसी में बैठ के। और इधर थोड़ा सा आई हूँ तो सोच रही हूँ थोड़ा सा जाऊँ पार्क में बैठने के लिए, तो जा रही हूँ। ज़्यादा समय नहीं रुकी थी क्योंकि शिवम को छोड़ के आई थी ट्यूशन, तो अकेले रहती हूँ तो उतना अच्छा नहीं लगता है बैठने में, दो तीन आदमी साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है। और इधर देखिए जो जिराफ थे ना, पिछला बार आई थी तो उसके बीच में कुछ नहीं बना हुआ था, आज देखिए बनाए हैं, ये लिख के लगाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लिखा हुआ है जो, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। जिराफ तो इतना लंबे लंबे है, इसके अंदर पौधा लगाए हैं, जब ये पौधा हो जाएगा इसके अंदर जिराफ के, अच्छा लगेगा। अब मैं जा रही हूँ घर पे, इधर दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए कि फार्म कितना यहाँ पर बड़ा सा है, बहुत बड़ा, इसी तरह से मतलब बंद रहता है, अच्छा रहता है, डर भी नहीं रहता है। भैया को तो दे, और चलिए यही पतली गली से जाऊंगी, बहुत पतली गली है, इसी से जाती हूँ, अभी दिखाऊंगी आपको। पतली गली है, अंधेरा रहता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई। देखिए अभी दिख रहा होगा, अब मैं आ गई हूँ घर पे, इधर मैं बनाऊंगी आज लड्डू,
बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोग भी एक बार बना के खा के देखिएगा, घर पे लड्डू बनता है वो बहुत अच्छा लगता है। मैं कलर के लिए इसमें हल्दी थोड़ा सा डाली हूँ, मेरे पास कलर नहीं है, और थोड़ा सा सोडा, और इसको रख दे रही हूँ, थोड़ा सा फूलने के लिए रख दी 10-15 मिनट। उसके बाद देखिए लड्डू बनाना शुरू कर दी, बूंदी देखिए कितना अच्छा सा बूंदी हुआ है, कोई परेशानी नहीं होता है, बहुत आसानी से बन जाता है। और देखिए आप लोग को दिखा रही हूँ, बन भी गया है, देखिए इतना बना है बूंदी, लड्डू बनाने वाला बूंदी। अब मैं जा रही हूँ चाशनी बनाने के लिए रखने, चाशनी बनाने के लिए मैं चीनी रखूँगी, ज़्यादा चीनी इसमें डालते हैं। देखिए मैं नाप के नहीं डालती हूँ, बस अपने हिसाब से डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा, देखिए एकदम थोड़ा सा डालें, रखो थोड़ा सा पानी डालने में जल्दी से चाशनी तैयार हो जाता है, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा पानी जलाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा पानी डाली हूँ मैं। खूब अच्छा पकाएंगे। देखिए चाशनी तैयार हो गया है, देखिए दिखा रही हूँ, दिख रहा होगा, इसमें डाल देंगे चूना। देखना गिर रहा होगा, खूब अच्छी तरह से मिला के ठंडा करके तब लड्डू बनाएंगे। देखिए दिखा रही हूँ आपको, न कम है ना ज्यादा है, एकदम बराबर है, ठंडा हो जाएगा तब लड्डू बनाएंगे। अभी गर्म है, गर्म में तो ये बनता ही नहीं है, ठंडा हो जाता है। ढक के रख दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए, तब बनाऊंगी लड्डू। और देखिए अब शिवम मांग रहा है खाने के लिए, इसमें इसको दे रही हूँ, मिला दीजिए पहले। ले, ये तो बहुत अच्छा लगता है गरम गरम लड्डू खाने में। अरे तू खा जाएगा तो लड्डू बस जरिए ठंडा करके अब इसको बनाऊंगी लड्डू, लड्डू बना लूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। देखिए लड्डू बनने लगा, और आ जाइए आप लोग भी खाने। अरे बहुत गर्म है, टूट जा रहा है। ये देखिए एक बना कर रख दी हूँ लड्डू, देखिए लड्डू बन के तैयार हो गया है, और आप लोग भी आ जाइए खाने। तो कोई मेहनत नहीं लगाया, बहुत आसानी से बन गया लड्डू। ये इधर थोड़ा सा ये जो निचोड़ निचोड़ के हम लोग बनाते हैं वही वाला है, ये तो नहीं बंधा पा रहा था, इसको अलग रखी हूँ। ये तो सब खूब अच्छा हो गया है देखिए, और आ जाइए आप लोग भी खाने। तोड़ रही हूँ लड्डू को, देखिए तोड़ दी, बंद ये भी देखिए बंधा भी जाएगा ऐसे, देखिए हो गया। और आप लोग एक बार बना के देखिएगा कितना आसानी से बन जाता है, बहुत मेहनत कोई नहीं है, बहुत अच्छा से बन गया है। और प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और चलिए फ्रेंड मिलेंगे कल वाला वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।